लोक आस्था का महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन आज तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा घाटों पर छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन कर दिया। बड़ी संख्या में छठ व्रती उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए ब्रजघाट के गंगा घाटों पर पहुंची और पानी में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ दिया। सभी ने अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग हर घर में छठ पर्व पूरी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। साथ ही छठ में शुद्धता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है और नहाए खाए के दूसरे दिन चावल और गुड़ से बने प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद छठ व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, जिसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। पर्व के तीसरे दिन तालाबों, पोखरों और नदियों में खड़े होकर छठ व्रती अस्तचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं, तो वहीं अंतिम दिन छठ व्रती सुबह सुबह छठ घाट पहुँचती हैं और उगते हुए भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ देने के बाद अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त करती हैं। रिप्ति देवी। अच्छा, कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? छठ पूजा मनाया जा रहा है। कहाँ पर आए आप लोग? हम ब्रजघाट आए हुए हैं। कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, कितने दिन तक आप निर्जला व्रत रखते हैं और क्यों इस व्रत को रखते हैं? ये रखते हैं इसलिए, शुरुआत में तो नहाए खाए वाले दिन होते हैं, फिर उसके दूसरे दिन खरना होते हैं, तीसरे दिन व्रत रखा जाता है, चौथे दिन इस व्रत को संपन्न करके अर्घ दे के अपना व्रत खोला जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तिलक लगाते हैं इतना लंबा, इसके पीछे का क्या लॉजिक? इसके पीछे ये है कि सदा सुहागन के लिए अपने वो मांगते हैं कि सूरज देव से, छठी माता से, कि हमारा सदा सुहागन बने रहे। और इस नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अस्थाई बैरिकेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, डस्टबिन वगैरह एंड चेंजिंग रूम महिलाओं के, ये सब रखे गए हैं। तो कितने सफाई कर्मी आपके लगे हुए हैं यहाँ पे? रिस्पॉन्स उनका मिल रहा है? हाँ, सफाई कर्मचारी का रिस्पॉन्स अच्छा है। मैं लगातार 5 बजे से आया हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ, और लगभग 20 सफाई कर्मचारी यहाँ घाट पे लगे हैं। तो अभी कार्तिक पूर्णिमा मेला भी आ रहा है, उसको लेकर क्या रणनीति? कार्तिक पूर्णिमा में ये इससे कहीं ज़्यादा भीड़ होती है, लगभग 20 से 25 लाख लोग आते हैं। तो इसमें हमारी जो बैरिकेटिंग वगैरह डबल कर दी जाएगी एंड मोटर बोट्स भी और नावों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, और चेंजिंग रूम वगैरह भी एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या भी घाट पर बढ़ाई जाएगी साफ सफाई की। 36 घंटे के निर्जला व्रत का आज भगवान सूर्य की उपासना और उनके दर्शन के बाद समापन हो गया। इस समय हम हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट गंगा घाट पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर व्रती महिलाएं गंगा के गहरे जल में खड़ी थी। मेरे पीछे आप देखिए जो तस्वीर है, वह आस्था के महाकुंभ की अलौकिक छटा को बयां कर रही है। वैसे तो मुख्य त्यौहार बिहार झारखंड का है, लेकिन वहाँ के ही रहने वाले लोग दिल्ली NCR में भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा स्थानीय तौर पर व्यवस्था की जाती है, तो गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के द्वारा भी गंगा घाटों पर बेहतर व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर यहां श्रद्धालु आए और उपासना के इस महापर्व को मनाया। कल जहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया, तो वहीं आज उगते सूर्य के साथ इस व्रत का समापन हो गया। व्रती महिलाओं ने अपने सुखमय जीवन, अपने पति की दीर्घायु की कामना भी की। इस व्रत को लेकर पुलिस प्रशासन भी गंगा घाटों पर मुस्तैद नजर आया। रफ्तार मीडिया के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।